चले आए। मैं आज आपको बनाना बताती हूँ बोरा गुजराती कढ़ी। अगर आप लोगों को मेरी कढ़ी की रेसिपी जरी भी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, जो नवे है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे आपको मेरा नोटिफिकेशन मिलेगा, और एक लाइक ज़रूर करें क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं तो प्लीज़ लाइक से कुछ नहीं होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है। देखें कितनी मज़े की कढ़ी बनी है, ज़रूर बनाइएगा मेरी तरीके से। आइए देखते हैं हमें किस तरीके से ये बोरा कढ़ी बनाना है। ऊपर से डाल दें हरा धनिया। ये आपकी देखें कड़ी मज़ेदार पकोड़े वाली रेडी है। आइए दिखाती हूँ मैं आपको इसे कैसे बनाना है। चले आए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ में। आज मैं आपको बहुत मच्छी मटन तो खाते ही रहते हैं और मैंने घर में दही जमाई हुई थी। देखिए मेरे घर का दही कितना अच्छा है। तो ये 1.5 किलो दही है मेरे पास में और इसके अंदर जाएगा कढ़ी के लिए जो इसमें मैंने राई है। देखिए राई, मेथी दाना, ज़ीरा, ये तीनों मिक्स करी हूँ मैंने। यहाँ 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च है, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर है और यहाँ पे खूब सारा कोथमीर मैंने धो के कट करके रखी हुई हूँ। ये कढ़ी का है। लहसुन चॉप करी हूँ मैंने, 1/2 छोटी प्याज चॉप करी हूँ, 1 छोटा टमाटर और कड़ी पत्ता, ये हरी मिर्ची। ये जो मैं कढ़ी आपको बता रही हूँ ना, ये बोरा कढ़ी है। बोरा गुजराती होते हैं ना, उनके इधर ट्रेडिशनल ये कढ़ी बनती है, तो मैं वो बता रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। और अब आइए झटपट, ये देखें ये जो कढ़ी का मुझे बनाना है इसके अंदर मैं क्या करूँगी, बेसन डालती हूँ। आप लोग ज़रूर देखें किस तरीके से कितना बेसन लगेगा। ये देखें 1 स्पून और ये 1/2, बस मैं ज़्यादा बेसन नहीं डालूँगी क्योंकि मैं थोड़ा ही बना रही हूँ और हमको बेसन का टेस्ट नहीं चाहिए, थोड़ा दही का भी टेस्ट चाहिए कढ़ी के अंदर। बहुत ज़्यादा बेसन डाल देते रहते हो टेस्ट अच्छा नहीं लगता। इसमें मैं डाल दूँगी नमक टेस्ट के हिसाब से। इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी, ये देखें थोड़ी हल्दी डाल दी मैंने इसमें और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल दी, ठीक है। और इसको हमको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इसका अच्छा है एक स्मूथ पेस्ट बना लेना है। देखिए इस तरीके से कि इसके अंदर बिल्कुल भी गुठली नहीं हो, हमारी कढ़ी एकदम स्मूथ ही बने, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करूँगी, पानी डाल देती हूँ और फिर हम इसको चले आए बघारने की तैयारी करते हैं। ये हमारा रेडी हो गया बेसन डाल के छाछ एक बना के हमने कढ़ी के लिए जो रेडी कर दिए, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल भी आप लोगों को गुठली नहीं रखना है। ये देखिए स्मूथ छाछ का और बेसन का मैंने एक ये बना के रख दी हूँ कढ़ी के लिए, ठीक है, यही हम यूज़ करेंगे। चले आइए आइए अब कढ़ी के लिए हमें क्या पकौड़े बनाना है, ठीक है। जिसके लिए देखिए मैं यहाँ एक छोटा बर्तन ले ली हूँ और इसके अंदर मैं डालूंगी बेसन कढ़ी के लिए, जो भजिया हम बनाएंगे, सॉरी। ये देखिए इतना ले ली हूँ मैं, 3 चम्मच भर के, आपके यहाँ अगर ज़्यादा है तो आप ले सकते हैं। यहाँ पे 1 बारीक चॉप करके प्याज रखी हूँ और 1 हरी मिर्ची को एकदम बारीक बारीक मैंने चॉप करी हूँ। यहाँ पे हम डाल देंगे इसके अंदर नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। इसमें मैं डाल दूंगी खूब सारी हरा धनिया कटा हुआ और 1 पिंच में डालूंगी इसके अंदर खाने का सोडा, जिससे हमारे भजिए एकदम सॉफ्ट बनेंगे। देखिए 1 पिंच लेना है आपको, ज़्यादा नहीं लेना है बस। और इसको हमको अच्छे से पानी डाल के इसका एक अच्छा बैटर बना लेंगे हम। ये देखिए इस तरीके से इस पकोड़े का बैटर जिस तरीके से बनता है इस तरीके से आपको बना लेना है। और इसको मैं रख देती हूँ थोड़ा टाइम। देखें मैंने ये भजिए का बैटर हमारा बन के एकदम अच्छे से रेडी हो। ये देखें इस तरीके से इसकी थिकनेस चाहिए, ये देखें इस तरीके से कि हम इस तरीके से पकोड़े डालें तो हमारे हाथ में आए। अब मैं तेल गरम को रख देती हूँ गैस ऑन करके। आइए हम भजिया तल लेते हैं फिर उसके बाद कढ़ी बनाते हैं अपनी। आए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ऑयल रख दी मैंने और हमारे भजिए का बैटर रेडी है। अब हम बनाना शुरू करते हैं अपना भजिया। चले और ज़्यादा बड़े ना ज़्यादा छोटे, ये देखें आप अपने हिसाब से इस तरीके से गोल गोल भजिए डाल लें। ये देखें बड़े मज़े के बनेंगे ये। इसी तरीके से हमें सारे भजिए डाल देना है, जितने आपके बर्तन में आ सके वही हिसाब से डालें कि एक दूसरे को चिटके नहीं, ठीक है। कढ़ी के अंदर भजिए नहीं रहेंगे तो फिर कढ़ी का मज़ा ही नहीं आता है।
घर की दही जमा के कढ़ी बनाएं। कढ़ी देखें बहुत अच्छी और बहुत टेस्टी बनेगी आप लोगों की। अच्छा लगता है ना कढ़ी वगैरह ऐसा बना दो तो। दही वगैरह तो अभी ज़्यादा पीते खाते नहीं अपन ठंडी में, छाछ वगैरह, तो फिर घर में दही जमी हुई है तो इस तरीके से आप कढ़ी वगैरह बना। जैसी हो गए तो देखिए सब ऊपर आ गए। अब मैं इसको हिलाती हूँ, ये ऊपर आ गए बिल्कुल भी, आपको खाली चमचे हिलाना पड़ेगा और सब हमारे भजिए ऊपर। तरीके से हमको भजिए बन जाएंगे तो फिर हम कढ़ी बना लेते हैं। अब प्लीज़ चैनल पे नवे आए तो चैनल को बेल आइकन को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरा नोटिफिकेशन मिलेगा। और ऐसी जब अब तक आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है, आगे भी आप लोगों का प्यार की बहुत मुझे ज़रूरत है, ऐसे मेरे साथ में बने रहिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ये देखिए ये हो गए भजिए हमारे। ज़्यादा मुझे ब्राउन नहीं करना है क्योंकि हमको कढ़ी में डालना है, तो ज़्यादा लाल नहीं करेंगे हम भजिए। ठीक है, आइए इसे निकाल लेते हैं। अभी निकाल लेते हैं हम भजिए सारे और फिर मैं जो थोड़े भजिए वो भी तल लेती हूँ और फिर हम कढ़ी बनाना हमारा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो बाकी के थोड़े हैं पकौड़े हम वो भी डाल देंगे। देखिए कितने मज़े के बने गर्मा गर्म। आप चाहें तो इस तरीके से भजिए बना के घर के अंदर चाय के साथ में भी इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, ये बच्चे में भी मैं डाल दूंगी थोड़े से इस तरीके से। चलो हो गए भजिए हमारे बनके रेडी। भजिए हमारे हो गए और वही भजिए का जो तेल था मैंने इसके अंदर थोड़ा डाल दी। ये ऑयल अभी हमारा गर्म है, गैस स्लो है। ये सब मैं डाल दूंगी, मेथी, राई और जीरा। इसमें ही मैं डाल दूंगी हींग थोड़ा सा बगार में। आप लोग भी ज़रूर यूज़ करें हींग का। ये कड़ी पत्ते थोड़े अभी डालेंगे। ये लहसुन है चॉप करा हुआ। गैस को अभी मैं फास्ट कर दूंगी और ये हरी मिर्ची जो काट के रखी ये डालूंगी और ये प्याज डालूंगी। ये गुजराती कड़ी है, ज़रूर आप लोग भी ट्राई करिएगा, आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। इस तरीके से ये टमाटर जो काट के रखे वो भी डाल दी मैंने इसके अंदर। अब इसमें नमक तो नहीं डालूंगी क्योंकि छाछ के अंदर नमक है, और ये हल्दी या लाल मिर्च जो मैं बताई थी आपको वो मैं डाल दूंगी इसमें। और थोड़ी लाल मिर्च हम बाद में डालेंगे जब कड़ी बन जाएगी बाजार में। बस अभी इसको क्या है ज़्यादा पकाना नहीं है। उन लोग क्या है ज़्यादा बोरी लोग ये सब प्याज टमाटर ज़्यादा पकाते नहीं है। अब हमको क्या करना है, गैस को कर देना है स्लो। अब जो मैंने छाछ और दही का आपको बताई ना बेटर, वो हमको अब डाल देना है। फास्ट गैस पे नहीं डालें नहीं तो आपकी दही फट जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखो इस तरीके से आपको ये सारा बेटर डाल देना है। ठीक है, और एक सरीका आपको हिलाना है, बिल्कुल भी हाथ को रोकना नहीं है आपको। और मैं इसके अंदर जो प्याले में लगा हुआ है दही बेसन उसको भी मैं अच्छे से धो के इसमें डाल दूंगी क्योंकि कढ़ी अभी पकेगी ना 10 मिनट, आटा कच्चा है हमारा। तो ये जो कढ़ी प्याले में लगा है बॉल में मैं ये सब पानी इसमें डाल दूंगी धो के बस। ठीक है, अब इसको हमको जब तक इसके अंदर एक बॉयल नहीं आ जाता जब तक हमको इसी तरीके से हिलाना है तो आपकी कढ़ी एकदम अच्छी बनेगी। अगर आप छोड़ देंगे तो कढ़ी आपकी फट जाएगी। इसी तरीके से हिलाएं और ज़रूर ट्राई करें एक बार मेरी तरीके से ये बोरा कढ़ी। आप लोगों को देखिए इस तरीके से आपको एक सरीका हिलाना है बिल्कुल भी जब तक इसके अंदर एक बॉईल नहीं आ जाता है। देखिए कितनी स्मूदी कढ़ी दिख रही है हमारी और कलर भी कितना प्यारा दिख रहा है। ठीक है, इसी तरीके से आपको जब तक इसमें एक बॉईल नहीं आ जाता इसी तरीके से हिलाना है। हाथ को बिल्कुल भी हमको नहीं छोड़ना और गैस हमारा एकदम फास्ट रहेगा, स्लो पे नहीं रहेगा। ये देखें अब मैं आपको बताती हूँ। ये देखें अब आया ना इसके अंदर उबाल। मैं एक सरीका इसको हिलाई हूँ, बिल्कुल भी नहीं छोड़ी हूँ।
अब इसके अंदर उबाल आ गया है तो अब इसका कढ़ी हमारे को फटने का डर नहीं है। अब गैस को स्लो करेंगे और खूब सारा हरा धनिया इसमें हम डालेंगे। देखिए ये कोथमीर डाल दी मैंने इसके अंदर खूब सारी, कढ़ी के अंदर कोथमीर अच्छी लगती है। कढ़ी हो गई है, मैं गैस को कर देती हूँ बंद अभी और इसमें थोड़ी सी कोथमीर डाल देंगे और गैस को बंद कर दी मैंने अभी। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास जितने भजिए हैं ये सब डाल दें इसके अंदर इस तरीके से और इसको मैं हटा देती हूँ साइड पे और यहाँ पे हम एक बघार तैयार करेंगे। ठीक है, गैस को मैं ऑन कर देती हूँ जिसमें मैं डालूँगी 2 सूखी लाल मिर्ची, हल्का सा जीरा, और थोड़ी सी ये कसूरी मेथी सूखी वाली मेथी दाना और हल्का सा राई। ये 3 चीज़ डाली हूँ मैंने इसके अंदर बघार के अंदर, जैसे ये चटक जाएगा और हम इसके अंदर लगा देंगे तड़का। ठीक है, और यहाँ पे मैं इतनी 1/2 मिर्ची ली हूँ, ये हम बाद में डालेंगे अभी नहीं डालेंगे। देखिए आज की जो मैंने आपको बताई गुजराती बोरा कढ़ी ट्रेडिशनल, ये बन के रेडी है और आपको